हेलो फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल वीडियो आज बताएंगे एनिमी मूवी के बारे में, छोटा सा मिस्ट्री को। हालांकि आपने ड्रैगन बॉल जी की मूवी देखी होगी, ब्रोली था, तो ब्रोली फर्स्ट अपीयरेंस में हारा कैसे? सबसे पहला जवाब यह है कि ब्रोली का लेजेंडरी फॉर्म नया था, यानी उस फॉर्म का 100% पावर ब्रोली यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर वो फॉर्म उसने पहले अगर यूज़ किया होता तो उसका माइंड कंट्रोल सिर का बैंड पहले ही टूट जाता। तो जब ये बैंड टूटा, जब हम देख सकते उसका लेजेंडरी फॉर्म यानी सुपर सेन से ऊपर का फॉर्म, जो ये जिसमें ब्रोली मस्कुलर हो जाता है, और इस फॉर्म का फुल 100% पावर यूज़ नहीं कर पाया था, और फिर भी सबके ऊपर भारी था। तो फाइनल में वो हारा कैसे? तो यह है ब्रोली का सबसे हारने का रीज़न, लेकिन एक सुपर नेविक की पिकोलो की मदद से पिकोलो अपनी पावर बाकी सबको भी कहता है गोकू को देने के लिए। पर इसका मेन रीज़न क्या था, जरा देखा जाए तो पिकोलो एक सुपर नेविक है, एक सुपर नेविक की पावर यानी सुपर सेन जितनी मान लेते हैं या थोड़ी बहुत कम मान लेते हैं, पर है गोहान एक सुपर सेन की पावर, दूसरा सुपर सेन की पावर ट्रंक्स की, और तीसरे सुपर सेन पावर वेजिटा की। और वेजिटा ने तो फाइट बहुत ही कम लड़ी थी, तो उसके पावर ज़्यादा बची थी। और इसका वेजिटा की सी कह सकते हैं ये स्पेशल इफेक्ट मूवी में भी दिखाया गया था जब वो पावर दे रहा था, क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्म हुए सुपर सेन पावर चमक रही थी, ग्लो कर रही थी उसकी, और जब जाकर उसने पावर दी तो इस तरह से सुपर सेन की पावर यानी चार सुपर सेन पावर और एक सुपर नेविक यानी पांच पावर गोगो को मिली, और ब्रोली के पास सुपर सेन लेजेंडरी पावर को 100% यूज़ नहीं कर सकता था, पर उसने पांचों को एक एक करके हराया। तो 5-in-1 यानी सुपर सेन की 100% पावर के साथ एक पावर पंच से हराया था ब्रोली को। लेकिन यह चीज़ ब्रोली ने भी नोटिस करी थी कि वो घबराया था, लेकिन उसकी पावर मैचिंग पावर हो गई थी लगभग गोकू की ब्रोली जितनी मैचिंग पावर थी। तो एक पॉइंट सुपर पॉइंट ब्रोली के लगा, और इसी वजह से ब्रोली ही का ध्यान भटका और ब्रोली नहीं कर पाया सर्वाइव इस पंच से। हालांकि यही एक रीज़न है, मेन रीज़न है, हालांकि वीडियो गेम्स में भी रीज़न सही से थोड़ा सा बताया गया है। लेकिन आप ड्रैगन बॉल जी की कोई भी गेम खेले तो उसमें भी ब्रोली को आप हरा नहीं सकते, बेसिकली जब तक गेम का अगला पार्ट शुरू नहीं होता। ड्रैगन बॉल जी बुडोकाई टेंसेई 3 में भी ये चीज़ अच्छे से दिखाई गई है। और एक चीज और बता दूं, ब्रोली सेकंड कमिंग में ब्रोली एक सीएन स्पेस पॉट के जरिए अर्थ में आया था घायल होकर, जो कि एक बर्फीले पहाड़ टकरा के फिर बेहोश हो गया था। पर सबसे मिस्ट्री वाली बात तो इसमें यह है कि सीएन पॉट उसके पास मिला कैसे, उस प्लेनेट में सीएन पॉट्स उन्होंने मनाए थे शायद, यही एक मिस्ट्री है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो कि ट्रंक्स है ब्रोली के थर्ड कमिंग मूवी में ट्रंक्स को काम यहाँ करते हुए दिखाया गया था, जब आपने नोटिस किया हो या नहीं किया, क्लियन गोटेन और ट्रंक्स काम यहाँ करते तीनों। और मिस्ट्री और अमेजिंग बात तो इसमें यही है कि ट्रंक्स कर सकता है काम यहाँ में हाँ, इट इज नोटिस, लेकिन काम यहाँ में हाँ कर सकता है। हालांकि ट्रंक्स को ड्रैगन बॉल जी के सीरीज में ऐसा करते हुए नहीं दिखाया कि ट्रंक्स को काम में हाँ यूज़ करते हुए, पर मूवी में दिखाया गया है, तो उसका मतलब ये है कि वो यूज़ कर सकता है, यानी दो कैनल वाले पावर का निकर एंड काम में हाँ। और इसके अलावा दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड यहीं पे, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक एनिमी फैक्ट्स था, हालांकि मैं चैनल में डालता नहीं, पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, नाम है सम्राट गेम VK। फिर मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स। आप मुझे बताना मैं भूल ही गया,
ब्रोली पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपने सेकंड कमिंग मूवी में। लेकिन ये चीज़ गोहान ने खुद कही थी सेकंड कमिंग मूवी में कि ब्रोली पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रोली की पावर बढ़ती है। यानी उस टाइम वो यूज़ करा था सुपर सैयन लेजेंडरी की 100% पावर। ये बताना आपको भूल गया, चलो बता दिया, फिर मिलते हैं, बाय बाय।